ये तस्वीरें संभल में स्नातन पब्लिक स्कूल की हैं। इस स्कूल में आए दिन पुलिस का आना जाना कोई नई बात नहीं है। ये हमारी बच्ची, ये आपकी बेटी है? हाँ। तो आपकी बेटी, इसकी बच्ची भी थी अब वहाँ पर चली गई क्या? बच्चे तो आपके बेटे से, आपकी बच्ची अंदर जा रहा था और असल में अच्छी खाली भीड़ लग रही जब मैं आपके बेटे को लेने आया, ये मेरा बेटा है, तो यहाँ पे खूब मारपीट हुई। इस स्कूल में ये रोजाना चलता आ गया ना मामला? ये सर पहली बार मेरे सामने हुआ, आगे से मिल नहीं था। पहली बार देखा इनकी चाबी छीनी मेरे हाथों से। दरअसल यहाँ मैनेजमेंट की लड़ाई चल रही है जिसके चक्कर में आए दिन मारपीट होती रहती है। आए दिन मारपीट और पुलिस के आने जाने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों के गार्जियंस का कहना है कि स्कूल में ये आए दिन का झगड़ा खत्म होना चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो सके। बेसिक डर लगता है कि हमारा बच्चा सेफ है भी है स्कूल में नहीं, यही लगता है कि जल्दी से बस बच्चे को अपने घर पे बुला ले और रख ले। हाँ, दोनों बच्चे मेरे इसमें पढ़ते हैं और मेरे क्या यहाँ पे कम से कम 800-900 बच्चे पढ़ते हैं। सबके भविष्य से खेलना है, पता ना कितने कमाई इस स्कूल में है कि अपने अपने व्यापार छोड़कर लोग स्कूल के कब्जों पर लगे पड़े हैं। इन सबके खिलाफ कार्रवाई करो, क्या होना चाहिए और एग्जाम साहब को सपोर्ट करो, स्कूल चलवाओ, बच्चों का भविष्य है इसमें। हद तो तब हो गई जब स्कूल मैनेजमेंट के दो पक्ष आपस में भिड़े और पिट गए बच्चों के गार्जियंस। जब अगर नया था तो इस आपस में एकदम झगड़ा शुरू हो गया। फिर आप पे भी हाथ चलाया? हाँ, मेरे पर मेरा कार पकड़ के मेरा मोबाइल छीन लिया, मैं वीडियो बना लिया था। आपके साथ मारामारी कर ली? हाँ, मोबाइल लेके छीन के मेरी रैम निकाल के डिलीट कर दी। अच्छा, और किसको मार रहे थे लोग? वो लाल बनियान, लाल और चेक का बनियान पहन रहे, उन पर मार देते थे। स्कूल में हुए इस विवाद को खत्म न होते देख कोतवाली पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई है। संभल से विनीत शर्मा, न्यूज 75.in।